वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 महिला प्रीमियर लीग का पहला सीजन आज समाप्त हो गया। फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हरा दिया। हरमनप्रीत कौर की टीम ने कमाल करते हुए पहले सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला सीजन बढ़िया लगा हो और फाइनल में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। तो हरमनप्रीत कौर की टीम ने कमाल करते हुए पहले सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। बेरबोर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल की कप्तान मैग लेगनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 131 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के अनुभवी खिलाड़ी नताली सीवर ब्रंट ने महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में मुंबई इंडियंस को चैंपियन बना दिया है। उन्होंने 55 गेंद पर नाबाद 60 रन बनाकर टीम को खिताब जिता दिया। दिल्ली ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 131 रन बनाए, जो कि दिल्ली का लगातार विकेट गिरता रहा और उसको देखते हुए दिल्ली का स्कोर जो है कहीं ना कहीं छोटा ही टोटल दिख रहा था, तो 131 यानी 131 पे सिमट गई। जवाब में मुंबई ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। मुंबई फ्रेंचाइजी के खाते में यह 6ठी ट्रॉफी है। उसकी पुरुष टीम आईपीएल में 5 बार चैंपियन बन चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, जी हां, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम जो कि 5 बार ट्रॉफी उठा चुकी है, वही टीम है मुंबई इंडियंस। बस बट ये फर्क है कि ये वुमेन्स प्रीमियर लीग है और वो मेंस प्रीमियर लीग है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। नताली ने अमेलिया केरे के साथ 4थे विकेट के लिए 20 गेंदों पर नाबाद 39 रनों की साझेदारी की। अमेलिया के 8 गेंद पर 14 रन बनाकर नाबाद रही नताली ने इससे पहले 3रे विकेट के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ 74 गेंदों पर 72 रनों की साझेदारी की। हरमनप्रीत 39 गेंद पर 37 रन बनाकर आउट हुई। हेली मैथ्यूज ने 13 और यस्तिका भाटिया ने 4 रन बनाए। दिल्ली के लिए राधा यादव और जेस जोनासेन ने एक एक विकेट अपने नाम किया। ऐसी रही दिल्ली की पारी। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो एक समय 79 रन पर उसके 9 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि टीम कहीं ना कहीं 100 रन भी पार नहीं कर सकती है, 100 रन के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। वहां से शिखा पांडे और राधा यादव ने पारी को संभाला। दोनों ने आखिरी विकेट के लिए 24 गेंद पर नाबाद 52 रनों की साझेदारी। राधा ने 12 गेंदों पर नाबाद 27 और शिखा ने 17 गेंदों पर नाबाद 27 रन बनाए। राधा ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं शिखा के बल्ले से भी 3 चौके निकले, उन्होंने 1 छक्का भी लगाया। दिल्ली के दिग्गज बल्लेबाज ने मैच में निराश किया। मैग लेनिंग को छोड़कर कोई भी क्रीज पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। लेनिंग ने 29 गेंदों में 35 रन बनाए। वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गई। मरीजैन केपे ने 18 और शेफाली वर्मा ने 11 रन का योगदान दिया। मुंबई के लिए इसी वोंग और हेली मैथ्यूज ने 3-3 विकेट लिए। अमेलिया केरे को 2 सफलता मिली। आपको बता दें दोस्तों कि ये दिल्ली का वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा, जो कि फाइनल के लिहाज से बिल्कुल छोटा टोटल था। आपको बता दें दोस्तों कि फाइनल में कभी भी बड़ा टोटल हमें देखने को नहीं मिला है, चाहे वो मेंस प्रीमियर लीग हो चाहे वुमेन्स प्रीमियर लीग हो। और आपको बता दें दोस्तों कि पहले ही सीजन में वुमेन्स प्रीमियर लीग के इस मुंबई इंडियन टीम ने दिल्ली को पटकनी देते हुए आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम किया। जहां एक तरफ रोहित शर्मा अपना दबदबा बनाए हुए हैं, वहीं इधर हरमनप्रीत कौर भी मुंबई इंडियंस को संभालते हुए अपना दबदबा कायम रखा है। आपको बता दें दोस्तों कि रॉयल चैलेंज बेंगलोर का किस्मत अभी भी पनौती पना से घेरा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विराट कोहली का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन विराट कोहली कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने टीम के लिए। पिछले 12 साल से खेलते हुए 12 सीजन में कप्तानी करते हुए विराट कोहली ने एक भी सीजन में एक भी ट्रॉफी नहीं उठाया है। रॉयल चैलेंज बेंगलोर का कप्तानी स्मृति मंधाना संभाल रही थी। स्मृति मंधाना ने काफ़ी निराशजनक परफॉर्मेंस दिया इस सीजन और वो अपने टीम के लिए कुछ नहीं कर पाई। जैसे कि विराट कोहली का नाम तो बड़ा है पर कैप्टेंसी में वो बड़ा नहीं बन पाया, उसी तरह से कहीं ना कहीं स्मृति मंधाना भी बड़ी बल्लेबाज तो बन गई लेकिन बड़ी कप्तान नहीं बन सकी, इसलिए कहीं ना कहीं उसको निराशजनक झेलना पड़ा और इस वुमेन्स प्रीमियर लीग में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बनी। आपको बता दें दोस्तों कि इस तरह से मुंबई इंडियंस चैंपियन बन चुकी है। इस बात से खुश है कि मुंबई इंडियंस फाइनल जीत के चैंपियन बना है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।